बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खाने काबा पे और मैं मजबूरन ये बात करने जा रहा हूँ और हालत एहराम में हूँ मैं, चूँकि पाकिस्तान में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं यह हलफ लेके कहता हूँ कि कभी भी इमरान खान ने हमें यह नहीं कहा कि किसी भी तनसीबात पर हमला करो या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करो। हमेशा इमरान खान कहते थे फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और ये झूठा जो 9 मई रचाया गया, ये इमरान खान बिल्कुल इसमें मुलव्वस नहीं है, ना इमरान खान ने कोई हिदायत दी है। वो लोग भी आकर या हलफ लेके बताए जो इमरान खान का नाम ले रहे, हलफ लेके कहे कि इमरान खान ने किया है। इमरान खान जब कहता है कि सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए, मैं भी ये कहता हूँ कि जिसने सीसीटीवी फुटेजेस चुराए उसने 9 मई करवाया। और मैं यहाँ समझता हूँ कि जितने लोगों को, जितनी सियासी पार्टी जमातों को, जितने इदारे को, लोगों को मैं जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ इन सब में मेरा लीडर इमरान खान सच्चा है और पाकिस्तान की बात करता है और पाकिस्तान के लिए खड़ा है। इंशाल्लाह हम यहाँ दुआ भी करेंगे, इमरान खान जल्द रिलीज़ होंगे और अल्लाह के बारगाह में दुआ करूँगा इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।